देख देख देखो उधर उधर देखो चली देख। ट्रैक्टर ने खींच ले जाके दिया। पकड़ो पकड़ो पूरी उत हो गई भैया, यहाँ ज्यादा खुलिया ना छुटा फिर। देखिए ये फूल है ना सिर्फ चमाशा चमाशा में खिले है ना, ये फूल देखिए इतने प्यारे हैं सिर्फ चमाशा में एक बार खिले हैं, पूरा गुच्छा का गुच्छा है, साल में एक बार खिलेंगे, एक के महीना खिलेंगे, ज्यादा दिन भी नहीं। पूरी उत हो गया ट्रैक्टर का बांध रखी। सारे ने राम राम गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और भाई हाथ हो गए ड्यूटी तैयारी का भी थोड़ा श्री के साथ खेल कर लिया, निशान सोन वाल रहे हैं और हम 4 बजे उठ लिया था मैं सुबह 4 AM आज संडे है तो निशान सोन वाल रहे। मैं थाई ड्यूटी जाने की तैयारी में हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ, रेडी टू मूव, बस खाना खाना बचा है, वो खाना भी आपको कमेंट आए पहले उनका रिप्लाई दे देता हूँ। तो ये है पिछले व्लॉग में जो गुड्डा का झगड़ा चल रहा था निधि के माँ के पैर का, तो उसका रिप्लाई दे रहा हूँ मैं आपका कमेंट। साइल क्रब का कौन से गाँव में इलाज करवाया है गुड्डे का, तो भाई गाँव है इस्माइला रोहतक की तरफ से दिल्ली रोड पर, इस्माइला गाँव पड़ा है करीबन 12 से 14 किलोमीटर और छापला से रोहतक रोड पर, बिल्कुल क्लियर है ये बात, रोहतक रोड से दिल्ली रोड पर और सांपला से रोहतक रोड पर ये गांव पड़ा है इस्माइला, उस गांव में है मोटा, मोटा के नाम से है, मशहूर है, और ऊड़ा में निधि के माँ का इलाज करवाया है और पहले इलाज करवाओ दवाई वहाँ से, बाद में वो खुद बताओगा सारी बात कैसे कैसे है। और 2 दिन पहले जाऊँ तो अपने कूड़े बांधे जाऊँ, कूड़े बांधे बांधे वहाँ पहुँचे ना कि रस्ता में खोल ले कोई, वहीं जाकर खोल रहे हैं कूड़े, वो जाकर फिर अपना ट्रीटमेंट है जो करेगा। और निधि के माँ का पूरा 70% आराम है फिलहाल करंट, 2 दिन में 3रा दिन हुआ आज। तो अगला कमेंट है अंकल जी कौन से जगह है देसी वैद्य, तो ये मैंने बता दिया है। और अखिल शर्मा पूछ रहे दवाई का नाम बता दो, तो दवाई का नाम भी वो ही बता दिया, बाकी इसमें हमने पिछले कमेंट में बता रखा है। और सार्थक स्वामी पूछे प्लीज़ आंटी जी विजय सर वाली दवाई कैसे खानी है और क्या परहेज है ये बताना, एक अलग वीडियो बना के, मेरी मम्मी को भी बहुत दर्द रहता है पैरों में। वही सार्थक ने पूछा है, सार्थक स्वामी ने, तो आपकी मम्मी का गुड्डे में दर्द हो गया तो ठीक है वहाँ इलाज करवाओ कर ले जाकर, दवाई वो खुद बता दें, बाकी दवाई आपने तरीक़त किसी ने भी यूज नहीं करनी है और ना ही आपको पता है। और पूरा ब्लॉग में बना देता लेकिन पूरा ब्लॉग ना बनाते हो, आपके रिकमेंड का रिप्लाई दे रहा हूँ, पहले वहाँ इलाज करवाऊँ जाके गुड्डे अपने चेक करवाऊँ और आपने पसंद आओगा बिल्कुल, हमने तो बहुत बढ़िया रिलैक्स फील हो रहा है 3 दिन से, तो आप भी जाओ जिसका भी दर्द है उसने शेयर करो ये बात, वही फलाना फलाना गाँव में, और वो एड्रेस मैंने आपको बता दिया। तो तकरीबन का राजेश का भी सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं भाई कौन सी जगह है तो कौन सी दवा है, तो दवा और जगह जगह मैंने बता दी, दवा वो खुद बताओगा वैद्य, और फिर भी कोई कमी रहेगी तो दवा की हम बता दें कमेंट बॉक्स में, पहले आप अपना इलाज करवाइए वहाँ जाकर बिल्कुल। तो ये मैं खाना खाऊंगा और आज संडे का दिन निशांत कर रहा सो रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताइए भाई निशांत का बर्थडे है 9 अगस्त का, तो 9 अगस्त में हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, घर पे करें या निधि के पास जा कर करें या कहाँ जा कर करें, रोहतक जा कर करें, तो वो भी आप रिप्लाई ज़रूर करना। तो मैं भी उठ गया हूँ और हमारा सारा खेत का काम ख़त्म हो गया है, धान का मतलब जितना भी काम हुआ वो सारा ख़त्म हो गया है, और ट्रैक्टर धो दिया है और आड़ा खड़ा कर दिया है, इसका कोई काम नहीं, मतलब कुछ महीना थी मतलब 1-2 महीने थी तो कोई कुछ खास काम नहीं है। और ये मैं उठा हूँ 8 बजे, ना किसी ने मैं उठाया अर्थाम, फिर मेरा उठना जी कराया तो मैं उठा ही नहीं फिर, और ई मैं उठा हूँ तो पापा रोटी खाने लग रहे हैं, पापा ड्यूटी पर जाओगे। क्या कर रहे माँ माँ
मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। किधर जाएगा युद्ध करते? श्री राम के लिए मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। अनुमान बढ़ रहे हो, अनुमान के करेक्टर मार रहे हैं। तो आज संडे है भाई, आज फुल एंजॉय में है निशांत। आज अनुमान बढ़ रहे हैं निशांत। मैं जा रहा हूँ। अनुमान का भक्त। आशीर्वाद तो दे दो। लंबी किया दे दे। नहीं, ये मेरा गधा है। किसने मार का हुआ इसकी गिल्ला? जो भी श्री राम के रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। वाओ, आज तो पूरे हनुमान के करेक्टर वार है। तलवार चलानिया हनुमान चलाता तलवार। ये टूट जाएगी अगर मैं कर देते ना ये टूट जाएगी अगर मैंने चलाई तो। कर कर दिखा। हाँ देखिए मैं चलाएगा। आओ तेरे दर्द से नहीं चलाएगी। ये थोड़ी बारी है। बारी है। ये गदा है, तलवार नहीं। इसे ऐसे मारते हैं। लो। लेमरी किया दे दे भाई। अड़ तोड़ ताड़ का बना के इसके छह डंडों के लिए ऐसे बेसन नहीं होगा। अगर भाई टूट जा और इसका साग ना बनाए। युद्ध कैंसल पोना है। पोना। Papa going to duty. Bye. Bye. कुछ चल आई हो? चल आऊंगा। अपने पीछे तो क्यों कर लिए? अब पढ़ा मिला हूँ मैं। और के गिफ्ट थे पापा के में था। ठीक है भाई। बाय। क्या कर रहे हो? उन कीड़ा का जूस बना लेने। क्या थे मंगाए थे? आपने दी थी रोटी बना ले। रोटी तो बनने दी थी, जूस नहीं पी सकता था फिर। ये पी ले घंटा अगर रोटी खा ले बेटा। फिर रोटी रहे तो घंटा हो गया, जूस पिया दूँ तो फिर तुनू का मैंने भूख लग रही जूस पी कर ने। ये रोटी खा के जूस पी ले, केले इतने खराब होने लग रहे। देख फ्रेंड्स इसके काम देख, देख इतने केले मंगवा के धर रहा है, जूस ना पीता ही हो ये छोरा। मैं कटन मरी, मैं पिटन मरी हूँ। इन पता जूस पी लेना छत्ता का। क्या खास है? जूस पी ले छत्ते का तू। हैं? मम्मी पापा। नो 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 क्या है? हैं? नो नो। अच्छा मेरी मम्मी से काम है। मैं छेत दूँगी मैं। अरे अपना घेवर खा लिया तने? यस। अरे ये बाल? कौन से बाल? ये बाल देख, चपक चपक करे, शैम्पू करे कितने साल हो गए? पिछले साल ही तो किया था। चल सरसों का तेल ला कर इनके। फिर इनू क्या कर रही है? रोज तेल ला। रोज तेल ना ला कर बने शैम्पू करे, जिस दिन शैम्पू करे उस दिन ला कर तेल। हफ्ते में दो बार मसाज तेल सर। इन दिनों में ना सर धोने का पहला तेल लगा कर। कितना मौसम में वो चीड़ है। नो, नो। मास्टर नहीं बना दे इसने। काटने खींच दे या तन्ने भी खींच देगी थोड़े दिन बैठे। श्री का खाने का टाइम है तो मैंने इस तरह सिखा रखे कि मैं श्री नो सिट 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 नो 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 जत्ती नहीं खा गई जत्ती नहीं करना मैं नो नो डर जा ना डर जा सिट सिट नो 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 नो
नो नो नो नो नो खाली चल मैं नो के अलावा किमी और कहती हूँ तेनो समझा खाली तो मेरी मम्मी ने अपनी बिना फिल्टर की फोटो देख ली और अब वो मम्मी मम्मी रुसो मत रुसो मत अरे मम्मी ने अपनी बिना फिल्टर की फोटो देख ली है और ये देखिए नेचुरल ब्यूटी अब मम्मी अपने आप को और सुंदर बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि बिना फिल्टर के भी मैं अच्छी लगूं। सिर्फ फिल्टर में ही क्यों क्यों अच्छा। तो दोस्तों व्लॉग में डिले इसलिए हो गया था क्योंकि आज जो यू है ना एक हमारा एक इंसान है वो बुरा मान रहा है एक इंसान बुरा मान रहा है और वो मतलब क्या बताऊं देख लो आप तो यो देखो यो है वो इंसान जो बुरा मान रहा है इसकी वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रहे हम इसलिए ही तो लेट हो रहा है आज व्लॉग पर हम जल्दी से जल्दी डाल देंगे और यो आ भी गया होगा अगर आप देखने लग रहे हो तो ये मैं व्लॉग ने एंड कर दूँ कि मानना कि थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि बुरा मान रहा है कि कर सका हाँ ठीक है तो मना लेते हैं जब मनाएगा जब डाल देंगे जब भी ठीक है तो ये आप व्लॉग ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नीचे लिख दो नाइस वर्क निशांत आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो